गर्दन में दर्द होना एक कॉमन समस्या है आज के समय में। अगर आप लोग ज़्यादा एक समय या बहुत समय तक कंप्यूटर पर काम करते हो या मोबाइल बहुत देर तक चलाते हो तो ऐसे में जो है आपको गर्दन का दर्द होना लाजमी है। लेकिन बहुत से लोगों की ये जो स्टेज है बहुत आगे बढ़ जाती है, उन लोगों को जो है सोने में परेशानी होती है या तो उनको बैठने में भी परेशानी होती है, यहाँ तक कि देखा गया है कि थोड़ा सा ही चलते ही उनको भी जो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी डिस्क होती है, जो स्पाइन की डिस्क होती है, वो जो है कहीं ना कहीं घिस जाती है, जिसको मेडिकल की भाषा में जो है सर्वाइकल कहा जाता है, या आगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहलाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिस हो जाता है। तो ये बहुत से उसके आगे के जो टर्म्स है वो बढ़ते चले जाते हैं अगर इसको नज़रअंदाज किया जाता है तो। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ मतलब समझ में आ गया है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, आपके गर्दन में जो साइड की दो साइड जो है वहाँ पे आपको जकड़न महसूस हो रही है, या गर्दन है उसमें जो है आपको स्टिफनेस महसूस होती है, सूजन महसूस होती है, या जलन या बर्निंग सेंसेशन होती है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है सर्वाइकल की समस्या हो सकती है। ये समस्या उन लोगों को ज़्यादा होती है जो कंप्यूटर पर ऐसे झुक कर ज़्यादा काम करते हैं, या जो लोग ज़्यादा मोबाइल पर ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, जो कि गर्दन का झुकाव आगे की तरफ हो जाता है, तो उसके कारण जो हमारे गर्दन के बीच जो डिस्क होती है वो कहीं ना कहीं प्रेस हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण जो है नर्व जो हमारी हो जाती है, जिसको साइटिका नर्व कहते हैं, जो कि हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस करती है, तो वो कहीं ना कहीं दब जाती है, और उसके बाद जो है चक्कर आना या गर्दन में दर्द होना या सिर दर्द होना, बहुत सारी समस्याओं को आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पूरी तरह ठीक होने के लिए इसको बहुत सारा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये एक की मतलब एक दिन में ये आया नहीं है तो एक दिन में ये चला भी नहीं जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि आयुर्वेद की जो मेडिसिंस होती है वो जो है इसके रूट पे काम करती है, इसके बेस पे काम करती है, तो इसको जो है ठीक होने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन अगर आप एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी में जो है हड्डियों मतलब जो घिसाव होता है उसके लिए जो है कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, बस आपको पेन किलर दिए जाएंगे, आप बस पेन किलर खाओ और जो है कुछ दिन के लिए आपको आराम महसूस होगा, लेकिन जो है दर्द फिर से वही का वही रहेगा। तो हम बात करेंगे कि भाई इसको परमानेंटली कैसे क्योर किया जा सकता है। तो परमानेंटली क्योर करने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके डाइट में बदलाव करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा योग प्राणायाम करना पड़ेगा, साथ ही साथ इसके जो है आपको मेडिसिन भी ठीक तरह से और जो एक्यूरेट मेडिसिन है वो आपको लेनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे कि ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, ज़्यादा वक्त तक मोबाइल चलाते हैं, ये तो हम सब ने जान लिया। अब इसके जो सिम्टम्स है उसके बारे में बात करते हैं। सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले जो है गर्दन में जकड़न होना, स्टिफनेस होना, या जो है कहीं ना कहीं बर्निंग सेंसेशन होना, गर्दन में दर्द होना, ये भी इसके जो है सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो इसको डायग्नोस किया कैसे कर सकते हैं? तो डायग्नोस के लिए आप जो है एक सिंपल सा एक्सरे निकाल कर उसको देख सकते हैं, या किसी जो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है उसको दिखाकर आप पता कर सकते हैं कि कहीं हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या तो नहीं है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है तो वो डॉक्टर जो है आपको मेडिसिन कुछ दिन के लिए दे देगा, लेकिन जो है वो परमानेंटली क्योर नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो ये जो गर्दन का जो दर्द है वो एक्चुअली उस कारण से होता है क्योंकि वहाँ की जो मांसपेशियाँ है उनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा एक ही मोशन में हम उसको रखते हैं, एक ही जगह हम उसको टिका के रखते हैं, कभी हम उसको दाएं बाएं घुमाते नहीं है, तो इसकी वजह से जो है इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो सबसे पहले जो है डाइट की बात करें तो जो है बहुत ज़्यादा तला भुना हुआ चीज़ें, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें जो है जो कि हड्डियों के बीमारी में मना की जाती है वो सब जो है आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ बात करेंगे कि इसके लिए जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन कौन सी है, तो भाई गर्दन से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेस है आप YouTube पे जाके सर्च करो कि भाई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए, सर्वाइकल के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज मौजूद है, तो वो सर्वाइकल की जो एक्सरसाइज है वो भी आप ठीक तरह से कर लो तो ये बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ मैंने डाइट में बता दिया कि कैल्शियम रिच आप फूड जो है वो ले सकते हो। और जो बात करें मेडिसिन की, तो मेडिसिन में जो है दो ही टैबलेट इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो जो है एक सर्विलोन एक टैबलेट आती है जो कि मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखाऊंगा, एक सर्वेलियन है और दूसरी जो है वो क्षीरबला टैबलेट नाम के जो
नाम से जो एक टैबलेट आती है, ये दो टैबलेट है, ये दो टैबलेट जो है आपको दो दो गोली, मतलब जैसे कि आपके जो दर्द हो रहा है उसका नेचर कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है तो सुबह शाम आप दो दो गोली ले सकते हो खाना खाने के बाद, अगर दर्द कम है तो एक एक गोली सुबह शाम भी आप इसको ले सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ जो है इसके आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको डाइट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है ये मेडिसिन भी आपको कुछ महीनों तक चलानी पड़ेगी, तब जाके जो है आपके सर्वाइकल की जो समस्या है उससे आपको निजात मिलेगी। अगर निजात मिलने की बात की है तो इसके लिए कुछ परहेज़ भी मैंने बताए हैं और कुछ परहेज़ बताऊंगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर आप ज़मीन पर लेट रहे हो तो, अगर आप ऐसे लेट रहे हो तो आप तकिया का इस्तेमाल ना करें। अगर आप एक बाजू पर सो रहे हो तो कोशिश करें कि ये जो आपका गैप है इसको, गैप को भरने के लिए जितना तकिया अवेलेबल होना चाहिए कि ये गैप भर जाए, इतना ही तकिया आपको लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे कि मोबाइल कभी भी चलाते समय ऐसा आगे झुकने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल जो है ऐसे अपने सामने देख कर रखो ताकि जो आपकी गर्दन जो है आगे ना झुके। डेस्कटॉप पर काम करने वाले या लैपटॉप पर काम करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो डेस्कटॉप का स्क्रीन है वो थोड़ा सा आगे उठा के ले लें, ताकि जो है उनको बार बार ऐसे आगे झुकना ना पड़े। लैपटॉप वालों के लिए बहुत अच्छा रीज़न ये है कि आजकल लैपटॉप के जो टेबल मिलने लगे हैं उनका भी वो इस्तेमाल करके जो है इससे निजात पा सकते हैं, ताकि जो लैपटॉप है उनका ऊपर उठ जाए और उनको जो है आगे झुकने से परेशानी ना हो। तो ये कुछ थे टिप्स और ये कुछ मैंने मेडिसिन बता दिए। मेडिसिन के नाम जो है वो फिर से दोहरा देता हूँ, सर्विलियन टैबलेट और दूसरी जो टैबलेट है उसका नाम है शेरवाला टैबलेट। ये दोनों टैबलेट आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आराम से खरीद लें, लेकिन सबसे पहले जो है आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या नहीं इसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बार कन्फर्म हो जाए कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो ये दो टैबलेट आप 6 से 7 महीने तक ले सकते हैं, लेकिन जो बताए हैं परवेज़ वो भी आपको करने बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।